लगातार परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में चिंता दबाव के कारण मानसिक तनाव के रूप में नौकरी करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तो नौकरी को छोड़कर अन्य कोई काम ढूंढना चाहिए या स्वयं पर आत्मनिर्भर होकर कोई काम करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य पर तनाव या चिंता न सताता हो। इसी मानसिक तनाव चिंताओं को दूर करने के लिए डॉक्टर अरुण कुमार ने जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का स्पीच का सब्जेक्ट है, दफ्तर में काम करते हुए आपको भी सताती है ये चिंताएं, तो संभल जाए, हो सकता है बड़ा नुकसान। हम लोग अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए नौकरी करते हैं ताकि उससे जो पैसे मिल सके उससे हम अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन कई लोग तो अपनी पसंद और अपनी मर्जी की नौकरी ढूंढते हैं जो कि बेहद कम होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी नौकरी कर रहे होते हैं जहां वो खुश नहीं होते, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये करना पड़ता है। आपकी स्थिति जो भी हो, लेकिन कुछ संकेत हैं जो आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि क्या आपकी नौकरी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए विषाक्त है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है कि हम दफ्तर में पूरे साल मन लगाकर काम करते हैं, लेकिन हमारे पास वो दिन भी हो सकते हैं जब हमारा मन काम करने का नहीं करेगा। आखिरकार हर कोई समय समय पर ब्रेक चाहता है। अगर आप हमेशा ही अपने दफ्तर से छुट्टी लेने के कारणों की तलाश करते रहते हैं तो ये एक बड़ा संकेत है कि आप अपने कार्यस्थल से घृणा करते हैं, या फिर ये आपके लिए चेतावनी या फिर संकेत भी हो सकता है कि ये समय आपके आगे बढ़ने का समय है। अब अगर दफ्तर में काम कर रहे हैं तो आपको अपने बॉस के कॉल भी आएंगे और ईमेल भी प्राप्त होंगे। ऐसे में अगर आप कभी का बार इस फोन कॉल्स और ईमेल के चलते दबाव महसूस करते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कभी हम सभी लोग दबाव में फंसे होते हैं और ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने मैनेजर या बॉस के इन चीज़ों से हर बार चिंतित महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कुछ सही नहीं है। ये चीज़ें आपके मानसिक स्वास्थ्य पर वार कर सकती है, इसलिए आपको ये जानने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की आवश्यकता है कि इससे कैसे निपटा जाए। हम अपने कार्यालय के सहयोगियों के साथ इतना समय बिताते हैं कि कुछ समय बाद हमारे दोस्तों के रूप में बदल जाते हैं। फिर उनके साथ हम चाय के ब्रेक पर जाते हैं, लंच साथ करते हैं और भी बाकी चीज़ों को अपने सहयोगियों संग ही करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि आप उन सबके साथ असहज महसूस करते हैं और हो सकता है कि वो कंपनी और वहाँ के लोग आपके लिए सही नहीं है। कई बार ऐसा समय भी होता है जब आप अपने सभी टारगेट यानी लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं लेकिन अभी भी आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि संगठन आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। यदि आप अपने उपलब्धियों का जश्न नहीं मना सकते हैं तो कार्यस्थल से जुड़े होने का क्या मतलब है। ऐसे में आपको वो जगह छोड़कर कहीं और काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ हो। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाज सेवी ने प्याज के अनजान गुणों के बारे में जानकारी दिया है। प्याज के स्वास्थ्य फायदे अनेक हैं। प्याज कई रोगों को दूर करता है। प्याज के फायदे मोटापा को कम करता है, पेट की चर्बी को दूर करता है। इन्हीं तरीकों के जरिए मोटापा कम कर सकते हैं। साथ ही लगातार घर में रहने के कारण ज्यादा तला भुना खाना या फिर बैठे रहने के कारण वजन बढ़ने की समस्या भी हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में आसानी से मिलने वाला प्याज वजन कम करने में आपकी मदद करता है। प्याज में क्वेरसेटिन नाम का फ्लोवेनाइड होता है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जमा चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। यह आपकी चयापचय की प्रक्रिया को सही करता है। जो तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से प्याज का सेवन करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं। पेट की चर्बी को कम करने में कच्चा प्याज सही रहता है। हाँ, कच्चा प्याज खाने से मुंह से दुर्गंध आने की समस्या तो होती ही है, लेकिन कुछ समय के लिए ही।
वजन कम करने के लिए आप कच्चे प्याज का स्लाइस नींबू नमक डालकर डेली सलाद के रूप में खा सकते हैं। ज्यादातर घरों में प्याज का सेवन इस तरह से किया भी जा सकता है। आप चाहे तो प्याज का रस भी ले सकती हैं। इसके लिए दो प्याज को उबालकर ठंडे पानी ठंडा करने के बाद मिक्सर में डालकर पीस लें। उसके बाद छानकर इसके रस को अलग कर लें। स्वाद को सही करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक और नींबू को मिला सकते हैं, जिससे आपको पीने में आसानी होगी। प्याज का सेवन करते हुए ध्यान रखें, खाली पेट कच्चे प्याज का सेवन ना करें। आप प्याज और सब्जियों का सूप बनाकर भी इसका सेवन कर सकती हैं। यह स्वादिष्ट भी लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। सूप बनाने के लिए 4 से 5 प्याज और सब्जियों को मोटे टुकड़े में काट लें। एक पैन में ऑलिव ऑयल गर्म करें और उसके बाद उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर कुछ देर तक पकाएं। इसके बाद इसमें सभी सब्जियां डालकर आवश्यकता अनुसार पानी डालें। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें हर्ब्स और काली मिर्च नमक आदि डाल करके गर्मा कर सर्व करें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।